इंडिया में पॉपुलर कंपनी की ऐसी कौन सी सस्ती कार है जिनमें आपको सनरूफ मिल जाता है। तो आज मैं आपको कंपनी वाइज वही बताऊंगा कि किस कार में सनरूफ मिलता है जो कि सस्ती है अपनी कंपनी में, जानते हैं इस वीडियो में। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। एमजी कंपनी की जो सनरूफ वाली गाड़ी है वो एमजी हेक्टर है। वो तो हेक्टर प्लस में भी और ग्लस्टर में भी मिलता है, लेकिन ये सस्ती है और 5 सीटर एसयूवी गाड़ी है। 13 वेरिएंट के साथ इंडिया में मिलती है, जिसके बेस वेरिएंट की कीमत 13,17,000 से शुरू होती है। गाड़ी में दोनों इंजनों का ऑप्शन डीजल और पेट्रोल का मिलता है, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 2 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन, और दोनों ही ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑटोमेटिक और मैनुअल का। गाड़ी में 8 इंच ड्यूल टोन एलॉय व्हील मिलते हैं, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिल जाती हैं, वायरलेस चार्जर मिलता है और 10.4 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा लगता है। फोर्ड कंपनी की जो सस्ती सनरूफ वाली गाड़ी है वो इकोस्पोर्ट है। ये 5 सीटर एसयूवी गाड़ी है, 11 वेरिएंट के साथ इंडिया में मिलती है और बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 8,19,000 रुपये की है इस गाड़ी की। ये गाड़ी भी दोनों इंजनों के ऑप्शन में डीजल और पेट्रोल के में, इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर ही डीजल इंजन का ऑप्शन और दोनों ही ट्रांसमिशन का ऑप्शन। गाड़ी में सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर, 9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। किया कंपनी की जो अपनी सभी गाड़ियों में सनरूफ वाली गाड़ी सस्ती है वो सोनेट है। ये एसयूवी गाड़ी है और अपनी कंपनी की सबसे सस्ती कार यही है। वैसे तो 23 वेरिएंट के ऑप्शन में मिलती है और जो बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 6,79,000 की है। गाड़ी दोनों इंजनों के ऑप्शन में डीजल और पेट्रोल के में, पेट्रोल में 2, डीजल में 1, इसमें 1 लीटर और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और तीसरा मिलता है डीजल का 1.5 लीटर और दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में ऑटोमेटिक और मैनुअल के में। गाड़ी में 10.25 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एयर प्यूरिफायर, सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। महिंद्रा कंपनी की जो सनरूफ वाली गाड़ियों में सस्ती कार है वो XUV 300 है। वैसे इसकी बहुत गाड़ियों में सनरूफ मिलता है, 500 में भी मिलता है, एल्टूरस G4 में भी काफ़ी गाड़ियों में मिलता है। ये 5 सीटर गाड़ी है और 16 वेरिएंट के साथ इंडिया में मिलती है। इसकी बेस वेरिएंट की कीमत 7,95,000 रुपये की है। गाड़ी दोनों इंजनों के ऑप्शन में, इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। गाड़ी में सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। फिर आइए हुंडई कंपनी की सनरूफ वाली जो गाड़ी है वो सबसे सस्ती i20 है, जो कि हैचबैक गाड़ी है और 24 वेरिएंट के साथ इंडिया में मिलती है। बेस वेरिएंट की कीमत 6,85,000 रुपये की है इस गाड़ी की, और गाड़ी में दोनों इंजनों का ऑप्शन डीजल और पेट्रोल का, 1 लीटर और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन। गाड़ी में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलता है। गाड़ी में जो फीचर्स मिलते हैं, इसमें 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एयर प्यूरिफायर, ब्लू लिंक कनेक्टेड कारटेक और सनरूफ। फिर ये होंडा कंपनी की सस्ती सनरूफ वाली गाड़ी होंडा जैज है। ये हैचबैक गाड़ी और 6 वेरिएंट के साथ इंडिया में मिलती है और गाड़ी की एक शोरूम कीमत 7,55,000 से शुरू होती है। गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है 1.2 लीटर और दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। इसमें 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फोक लैंप, सनरूफ, क्रूज कंट्रोल और पैडल शिफ्टर भी मिलता है। फिर आई लास्ट कंपनी टाटा कंपनी की सस्ती सनरूफ वाली गाड़ी टाटा नेक्सॉन है। ये 5 सीटर एसयूवी गाड़ी है और 36 वेरिएंट के साथ इंडिया में मिलती है। इसके बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 7,19,000 रुपये की है। गाड़ी डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में, इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन। गाड़ी में दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन, गाड़ी में 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और क्रूज कंट्रोल। तो मैंने आपको ये उन कंपनी की कारें बताई हैं जो कि सस्ती हैं अपनी कंपनी में सनरूफ वाली। मारुति कंपनी की कोई सी भी कार में सनरूफ नहीं मिलता, ऐसे ही डैटसन की कंपनी की। तो कितनी कंपनी की गाड़ियों में आपको सनरूफ नहीं मिलता है, मैंने आपको सिर्फ पॉपुलर कंपनी बताई है। इसमें मारुति इस वजह से नहीं आई क्योंकि उसमें किसी भी गाड़ी में सनरूफ नहीं मिलता उसकी।